Vardhaman Academy, an English medium co-educational senior secondary school, classes from nursery to 12th, smart classrooms, Wi-Fi computer lab, advanced maths and science labs, well-stocked library, best environment for games, yoga and music. Vardhaman Academy, Railway Road, Meerut. Meerut se Bhajpa Kent vidhayak Amit Agarwal ne kaha ki Modi Yogi sarkar se pehle desh ve pradesh mein arajakta ka mahol tha, lekin ab charon taraf vikas ka bolbala hai. मोदी सरकार ने पिछले 9 साल में दुनिया वे भारत के लिए इतना किया है इतना पूर्व की सरकारों ने पिछले 17 साल में भी नहीं किया। जहां तक बात मेरठ कैंट विधानसभा क्षेत्र की है तो वर्तमान सवा वर्ष के कार्यकाल में अब तक लगभग 96 करोड़ रुपए के विकास कार्य कराए जा चुके हैं। सांसद राजेंद्र अग्रवाल के साथ प्रयास करते हुए केंद्र से 20 करोड़ व रेल मंत्रालय से 7 करोड़ रुपए मेरठ छावनी परिषद को उपलब्ध कराए जा चुके हैं। इसके अलावा जो विकास कार्य प्रस्तावित हैं वह मेरठ का नक्शा बदलने वाले साबित होने जा रहे हैं। बाहर से आने वाला व्यक्ति मेरठ की बदलती काया को देखकर आश्चर्यचकित होना लाजमी है। मेरठ के विकास में तमाम बदलाव पर तेजी से कार्य चल रहा है। कैंट विधायक अमित अग्रवाल आज भाजपा के मेरठ महानगर अध्यक्ष मुकेश सिंघल संग मोदी सरकार के 9 साल में हुए विकास कार्यों की जानकारी देते हुए मीडिया से वार्ता कर रहे थे। देखिए क्या कहा कैंट विधायक अमित अग्रवाल ने। विधायक जी, आपके कार्यकाल को 1.25 साल हुआ है, आप इस 1.25 साल को किस तरह से देख रहे हैं, क्या उपलब्धियां हैं आपकी आपकी सरकार की? देखिए, सरकार की उपलब्धियां भी सब प्रेस पीसी करके और समाचारों के माध्यम से, समाचार पत्रों के माध्यम से, सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से, सब आपके और जनता आपके माध्यम से जनता के बीच में पहुँच रही है। और 1.25 साल में मेरठ के बारे में जो हमने कल्पना की है वो विकास की कल्पना की है। मेरठ का जो इतिहास मिलता है वो त्रेता युग से, रामायण काल से मिलता है, महाभारत काल का मिलता है, और अब ये क्रांति काल जहाँ 1857 यहाँ से क्रांति हुई इस काल से मिलता है। इसको हम एक औद्योगिक शहर के रूप में, एक क्रांति के शहर के रूप में विकास विकसित करना चाहते हैं, जिससे कि आने वाली पीढ़ियाँ वो हमारे सांस्कृतिक धरोहरों को, हमारे पौराणिक कथाओं को जानने के साथ साथ हमारी क्रांति की वीर गाथाओं को भी जाने और सुने, और उसके साथ साथ मेरठ का विकास होते हुए भी देखें। विधायक जी, अब चुनाव आने वाले हैं, चुनावी वर्ष है, केंद्र में चुनाव होने हैं, तो आप किन नीतियों को लेकर जनता के बीच जाएंगे, क्योंकि तो इस टाइम जो माहौल है एकता, दूसरी तरफ नीति साफ है, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास और सबका प्रयास, हम सब मिलकर प्रयास करेंगे पार्टी के कार्यकर्ता, और सबका विश्वास जीतेंगे, और विश्वास जीतेंगे जब सबका विकास करेंगे तब, तो हम सब मिलकर इसको, जिसने हमको वोट दिया, जिसने हमको वोट नहीं दिया, जो वोट देने जाता भी नहीं वो भी, जो गरीब है, जो अमीर है, जो हिंदू है, जो मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, किसी भी जाति का है, किसी भी धर्म का है, ये हिंदुस्तान वो हिंदुस्तान है जिन्होंने विदेशों से आए हुए लोगों को भी यहीं आत्मसात कर लिया और अपना बना लिया और मुझे हिंदुस्तानी कहलाते हैं, तो हम ऐसा हिंदुस्तान जो बना है उसका विकास करना चाहते हैं। विधायक, आपने कैंट की सड़कों का भी बताया कि आपने यहाँ इतने मार्केट के मेहताब सिनेमा से लेकर और पैसा लिया, बारिश तक भी सड़कें बहुत, बारिश बंद होते ही वो पैसा माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ से आ गया है, योजना स्वीकृत हो चुकी है, टेंडर स्वीकृत हो चुका है, क्योंकि आचार संहिता लग गई थी चुनाव, महापौर के चुनाव की, इस कारण से वो चुनाव नहीं हो पाया, वो काम नहीं हो पाया है चुनाव कारण से, तो अब वो काम 15 सितंबर के बारे में हो जाएगा। सरकार लगातार विकास के वादे कर रही है, 9 साल में लगातार अपने विकास को बिगवा के नजर आई, लेकिन आज भी हस्तिनापुर की अगर हम बात कर लें तो द्रौपदी के श्राप से वो कब मुक्त होगा, क्या लगातार वहाँ पर बाढ़ से हमेशा अप्रोच रोड जो है वो बह जाती है, लेकिन फिर भी कोई कार्रवाई नहीं। हमने, हमारे मुख्यमंत्री जी ने, हमारे प्रधानमंत्री जी ने मिथ्याओं को तोड़ा है, रूढ़ियों को तोड़ा है, जो झूठे कथानक है उसको तोड़ा है। कहते थे अयोध्या में सीता जी का श्राप है, आज अयोध्या इस तरह से विकसित हो रही है। कहते थे नोएडा जो प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री चला जाता है वो दोबारा मुख्यमंत्री रहता नहीं है, तो चुनाव जीत के ना रहता ही नहीं है, उस मिथ्या को भी तोड़ा है। कहते थे बुंदेलखंड जो हवाई जहाज से पार कर लेगा वो मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री नहीं रहेगा, मोदी जी ने, योगी जी ने हस्तिनापुर के बारे में जो आपने कहा कि द्रौपदी का शाप है, उस मिथक को भी हम तोड़ेंगे और निश्चित रूप से हस्तिनापुर का विकास होगा। इस खबर में फिलहाल इतना ही, आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट.टीवी। नमस्कार।